सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत फरियादी दिनेश बाबूराव मरावी उम्र 62 वर्ष उत्कर्ष नगर त्रिकोणी पार्क निवासी किसी काम से सीतामढ़ी के दिनशा आइसक्रीम कैनल रोड के सामने से जा रहे थे। इसी दौरान सार्वजनिक शौचालय के बाजू में वह शौच के लिए रुके। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों में एक बैग साइड में ही रख दिया था जिसमें घर के कागज पत्र चेकबुक एक नकदी 50,000 रुपए थे। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उनका बैग उड़ा ले गए जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की है। रामनवमी के अवसर पर नागपुर शहर में हर ओर भीड़ भाड़ का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति की बैग अज्ञात आरोपियों द्वारा चुरा लेना बेहद गंभीर घटना मानी जा रही है जिसमें शायद उस बुजुर्ग व्यक्ति की जीवन की जमा पूंजी थी। फिरियादी की माने तो 20 से 25 वर्षीय दो युवक एक्टिवा गाड़ी से उनके पास आए और पलक झपकते ही उनका बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। फिलहाल सीतामढ़ी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 379/34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।